अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा पबजी को लेकर। मुझे बहुत अफसोस के साथ ये वीडियो बनानी पड़ रही है कि जब भारत सरकार ने पबजी को बैन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। इससे बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई में लग सकते हैं, बहुत सारे लोग कारोबार कर सकते हैं, बहुत सारी फैमिलियाँ आबाद हो सकती है, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो ज़िम्मेदार हैं घर के, जो घर के बड़े हैं उनको कमाकर फैमिली को संभालना चाहिए, वो लोग पबजी के कारण कमाते नहीं थे और घर वालों की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो पबजी को बैन करने के बाद वो लोग अच्छी तरीके से कमाकर अपने फैमिली को देख सकते हैं, अपने फैमिली का देखभाल कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई के अंदर ध्यान लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छा किया आपने, लेकिन एक बात ये है कि आपने उसको बैन करने के बाद एक दूसरा गेम लॉन्च कर रहे हैं। मैं अक्षय कुमार से भी कहना चाहता हूँ कि अब जब पबजी को बैन कर दिया है तो उसके बाद अब नया एक गेम इसी तरह का, पबजी जैसा ही एक गेम, चाहे ये इंडियन मेड हो, लेकिन इस तरीके से गेम बनाने का मतलब क्या होता है? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमने पबजी को बैन कर दिया, इसके पीछे मकसद क्या था? इसके पीछे मकसद ये है कि हमारे चाइना से अनबन चल रही है, इसलिए हमने पबजी को बैन कर दिया है। जब चाइना से अनबन हो गई है तो उनके आपने 118 ऐप को बैन लगा दिया, बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन मेरे समझ से बाहर है कि उसको बैन करते करते उसका ही जैसा एक गेम आप लॉन्च करने की बात कर रहे हो। ये तो ऐसा हुआ कि आप दोबारा से स्टूडेंट्स को, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं और जो काम करने वाले लोग हैं, उनको आप फिर दोबारा से आग में झोंक रहे हो, उनके हाथ में फिर से मोबाइल थमा रहे हो। आपका पबजी बैन करने का मतलब क्या था? भारत के इकोनॉमी, भारत का एजुकेशन ये था या फिर चाइना था? प्रॉब्लम चाइना है तो चाइना के ऐप्स को बंद कर दिया और हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। लेकिन अब जब आप दोबारा से गेम को लॉन्च करेंगे तो उस वक्त हमारे भारत के नौजवान फिर उसी गेम में लग जाएंगे, उनके हाथ में पूरा दिन फिर स्मार्टफोन होगा। तो इस तरीके से ना तो स्टूडेंट्स पढ़ाई के अंदर कंसंट्रेट कर पाएंगे और ना ही काम करने वाले लोग अपने काम कर पाएंगे। अब इस गेम को लॉन्च करने का मतलब क्या बनता है? तो चाइना से आपकी अनबन थी, चाइना से प्रॉब्लम है, आपने उनके ऐप्स को बंद कर दिया, तो मतलब भारत के बच्चों का भविष्य, भारत के लोगों का फ्यूचर का आपको कोई मतलब नहीं है? तो अगर ऐसे ही बात है तो पैन के नीप से लेकर पैंट के जीप तक और सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें तक सब चाइनीज़ कंपनी तैयार कर रही है, और जो हम स्मार्टफोन चला रहे हैं ये भी चाइना का है, तो सब पर बैन लगा दीजिए ना। मेरे दोस्तों, ये वीडियो बहुत अफसोस के साथ बना रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि ये पबजी जैसा बैन लग गया है, बहुत अच्छी बात है, और इस जैसा हम कोई गेम लॉन्च ना करें। ये मेरे अकेले कहने से कुछ नहीं होता, मेरे जितने भी भाई देख रहे हैं उन सबको सपोर्ट करना है मेरी इस वीडियो को, और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये बातें, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये बातें हमारे अक्षय कुमार सर जी और हमारे पीएम मोदी जी के पास पहुँच जाए और वो इस बारे में गौर करें। क्योंकि हमारे भारत की जनता है जिनके अंदर ये ताकत है कि वो कुछ भी कर सकता है। अगर आप ठान लो तो ये वीडियो उन तक पहुंच जाएगी, और हो सकता है इस वीडियो की वजह से वो ऐसा गेम लॉन्च ना करे जिससे हमारे बच्चों की भविष्य, हमारे लोगों के काम करने का जो तरीका है वो बदल ना जाए, हमारे बच्चे बेकार ना हो जाए, हमारे बच्चे पढ़ाई के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी भारत सरकार से बहुत ही मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि ऐसे गेम के लिए आप इजाज़त ना दें जैसा आपने पबजी को बैन कर दिया। बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हैं, इससे कितनी जिंदगियां सवर जाएगी, कितने लोग सुधर जाएंगे। पूरे दिन मोबाइल के अंदर लगे रहते थे वो, आजकल इस स्मार्टफोन ने, इस टेक्नोलॉजी ने हमें गुलाम बना लिया है। स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में एक हिस्सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो हम पर हावी हो जाए, वो हम पर हुकुम करने लगे। हर सेकंड पर हम नोटिफिकेशन का गुलाम हो गए आजकल, कि नोटिफिकेशन आया नहीं, हम सैल्यूट मारकर उस नोटिफिकेशन को पिक कर लेते हैं। ऐसा क्यों है? इसलिए कि हम इस टेक्नोलॉजी का गुलाम बन चुके हैं। टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में ज़रूरत है टेक्नोलॉजी का, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना ले, उसको अपने ऊपर गालिब ना होने दे, अपने ऊपर उसको हुक्म करने ना दे। तो मेरी यही दरख्वास्त है, अगर आप चाहोगे तो ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचेगी। पहुंचने के बाद हो सकता है वो इस बारे में गौर करें और हमारे बच्चों की भविष्य बदल जाए, हमारे बच्चे एजुकेटेड हो। तो इसलिए ये वीडियो उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस बारे में कुछ गौर व फिक्र करें।
तो इस वीडियो के अंदर इतना ही, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे भाई, मैं ये बात फिर से कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बातें उन तक पहुँच जाए जो इस गेम को लॉन्च करने वाले हैं। फिर हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद वो अपना इरादा बदल दे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।